तो दोस्तों इस वक्त है हम इंदौर की सड़कों पर और इस वक्त है हम एयरपोर्ट रोड पर। ये आपको जो सिंबल दिख रहा है इंदौर का, ये कालीनगर पर अभी इस वक्त हम खड़े कालीनगर के पास में। तो जैसे आपको पता है कि प्रवासी मेला अभी अभी खत्म हुआ है, ठीक है, तो लेकिन यहाँ की जो सजावटें हैं, लाइट्स वगैरह है, अभी भी खत्म नहीं हुई है, ठीक है। तो आज हम आपको पूरा इंदौर का टूर दिखाने वाले हैं, कालीनगर से लेकर एयरपोर्ट रोड तक हम आपको पूरा एक चीज आपको पूरी तरीके से दिखाएंगे। तो आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए और इंदौर के मजे लीजिए। तो दोस्तों इस वक्त हम हैं एयरपोर्ट रोड पे और ठंड काफ़ी बढ़ चुकी है, ठंड काफ़ी ज़्यादा लग रही है आज, कुछ दिनों से तो काफ़ी कम थी। और जैसा आपको पता है अभी कुछ दिनों पहले इंदौर में प्रवासी मेला ख़त्म हुआ है, 12 जनवरी को आखिरी दिन था प्रवासी मेले का। तो मुझे लगा था कि लाइटिंग्स वगैरह सब हट जाएगी, पर एक्चुअल में ऐसा हुआ नहीं, लाइटिंग्स वगैरह अभी भी पूरे रोडों पर लगी हुई है और काफ़ी अच्छा सीनरी दिखने को मिल रहा है। और आज हमारे साथ हमारे विकास भाई भी है। विकास भाई कहाँ हो? दोस्तों आज हमारे साथ हमारे विकास भाई भी है जो हमारे वीडियो बनाने में भी हेल्प करेंगे। ये हमारे विकास भाई है। विकास भाई ऊंची बड़ी अच्छी लग रही है तुम्हारी। चलो आज हमारे साथ विकास भाई है, तो आज हम पूरा एयरपोर्ट रोड घूमेंगे भी और आपको पूरा एयरपोर्ट रोड हम दिखाएंगे कि कैसा है, ठीक है। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। हाँ नॉर्मल ही चल रहे थे भाई, चल रही है भाई। वो गर्म हो जाएगा भाई इंजन को दिक्कत। मैं अच्छी लग रही गाड़ी। अच्छा ऐसा? हाँ अच्छी लग रही है। अच्छा थैंक यू। चल बाकी मस्त है, लाइटिंग वगैरह अभी भी है। पास में लूँ उसके? क्या लाइटिंग नहीं, कोई दिक्कत नहीं, पीछे गाड़ी आएगी, इधर ही चल रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एयरपोर्ट रोड है अभी, जिस रोड पे अभी हम चल रहे हैं। अरे आ जाओ, तुम भी आ जाओ वीडियो में। अरे एक नंबर। चल लेते पीजे क्रिएशन में देखना यूट्यूब पे, पीजे क्रिएशन। तो दोस्तों ये है कालानी नगर चौराया और कालानी नगर चौराहे से हम निकल चुके हैं इस वक्त। बीएसएफ। तो दोस्तों ये है, यहाँ से बीएसएफ लग चुका है, ठीक है। यहाँ पर सारी ट्रेनिंग दी जाती है ना भाई इनको? हाँ बीएसएफ की ट्रेनिंग दी जाती है यहाँ पर, बीएसएफ का कैंप है यहाँ पर, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। यहाँ भी कई सारे एग्जाम चल रहे हैं। हाँ फिजिकल मेडिकल के लिए आना होता है, ठीक है। ये है इंदौर भाई।
दोस्तों आप यहाँ सड़क को भी देख सकते हो, सड़क में आपको जरा सी भी धूल नजर नहीं आएगी। और इंदौर को इसीलिए सबसे साफ सुथरी सिटी नहीं कहा जाता। सड़कें देखो आपको एकदम क्लीन सड़कें मिलेगी यहाँ पर। हाँ जूम ही कर लेते, कोई दिक्कत है, देख लो भैया सड़कें देख लो, कोई कचरा नहीं दिखने वाला आपको यहाँ पर। इंदौर की सड़कों पर आपको एक भी कचरा नहीं मिलेगा, धूल भी नहीं मिलेगी, धूल भी नहीं मिलेगी, धूल भी नहीं मिलेगी। इसीलिए इंदौर नंबर वन आता है। दोस्तों ये जो सामने की दीवार दिख रही है ये एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट की दीवार है, हवाई अड्डा यहाँ से स्टार्ट होता है। ये पूरा इलाका, ये इसके पीछे वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, ये पूरा पोर्शन जो है वो आता है एयरपोर्ट के अंदर। लाइटें दिख सकते हैं और काफी अच्छे से सजाया गया है। क्या विकास भाई ये आगे भी रहेगा इस तरीके की लाइटिंग? क्या आगे ग्रीन लाइट आएगा? और ये लाइटें अभी रखेंगे ये रहेगा? अच्छा कंटिन्यू, अच्छा कुछ दिनों में हट जाएगा, बाकी ऐसा हमेशा रहे तो कितना प्यारा लगे। वाह देख सकते हो। और ये इंदौर, ये यहाँ से इंदौर आपको दिख रहा है, ठीक है। अभी पीछे जनरेटर गया हुआ था ना डेकोरेशन प्रवासियों के लिए। हाँ यार मैं आ नहीं पाया था उस समय, हम लोग निकले देखने के लिए। अच्छा। तो हम लोगों को ऐसा लगा कि बहुत रिस्पेक्ट, अंदर से ऐसा लगा बहुत गर्व फील हो रहा है कि हम इंदौर में रहते हैं, हमारा एरिया है। तुमने बुलाया था पर मैं आ नहीं पाया था। मैं क्या बोल रहा, राजवाड़ा गया था मैं, ये ऐसा लग रहा था कि हमारा एरिया एयरपोर्ट एरिया। सही है, अभी आप राजवाड़ा गए थे? राजवाड़ा गया था मैं, राजवाड़ा की वीडियो वहाँ पे भी देखना था। हाँ सही बात, मैं आ नहीं पाया। हमारे जो विकास भाई है यही रहते हैं, हमारे विकास भाई यही आसपास की कॉलोनी में रहते हैं। ये फूड कल्चर, टेक्सटाइल हब, ये फूड कल्चर है। दोस्तों यहाँ से एयरपोर्ट स्टार्ट हो रहा है, गाड़ी एयरपोर्ट के लिए लाइन पे लगी पड़ी है। अभी जितनी भी गाड़ी आपको देख रही है ये एयरपोर्ट के लिए लगी है लाइन में, या शायद वेट कर रही है, वेट कर रही है यहाँ पर गाड़िया। जितने भी पैसेंजर, उनके रिश्तेदार या फ्लाइट से आएंगे उन सबको यहाँ से पिकअप किया जाएगा। तो ये है देवी हलिया बाई होलकर एयरपोर्ट। दोस्तों ये एयरपोर्ट पे आ चुके हैं अब इस वक्त। आराम से दोस्तों, ये सामने ये जो जितनी भी गाड़ी आ रही है, ये जा रही है सभी एयरपोर्ट, इस तरफ एयरपोर्ट है, ठीक है। एक काम कर, इधर से भी थोड़ा घुमा लेते हैं। ये रॉन्ग साइड, अंदर से चलना हो तो चल सकते हैं। ये थोड़ा सा पास से, अच्छा ये रॉन्ग साइड है, आगे से आगे। दोस्तों ये एयरपोर्ट वाला पोर्शन है, आगे वाला रहो, ये वाला रहो, यहाँ से हाथी थोड़ा सा घूम के आते। इंदौर एयरपोर्ट,
फ्लाइट उड़ रही है। और फ्लेक का जूम करो सर। हाँ फ्लेक का जूम करो। हाँ कर रहा हूँ, गाड़ी चल रही है। तो ये है दोस्तों इंदौर का एयरपोर्ट अहिल्या बाई होलकर हवाई अड्डा। टर्निंग ले? हाँ टर्निंग ले ले भाई। दोस्तों आप लोगों ने देख लिया एयरपोर्ट, ये इंदौर एयरपोर्ट, अभी आपको दिखाया था उठा दिया यार दीवार महेश्वर मांडव महेश्वर यहाँ हमारे सब एमपी के जितने भी तीर्थ स्थल है बोर्ड के द्वारा कर रहे हैं। सही बात है। उज्जैन उज्जैन है, वीडियो चल रहा है, और भी यहाँ चालू है महेश्वर है। चलो आते वक्त देखेंगे। हाँ आते वक्त दोस्तों ये जो सीधा रोड है ये जाता है बीजासन की ओर, और बीजासन से थोड़ा सा और आगे जाए आपको तो ये रोड जाता है आपको गांधीनगर, गांधीनगर की ओर ये रोड ले जाता है आपको बीजासन होते हुए। सुपर कॉरिडोर, सुपर कॉरिडोर इधर ही है बहुत सारी आई थी रोड। जो अभी रास्ता आपको थोड़ी देर दो तीन सेकंड पहले दिखा था तो ये ऊपर पहाड़ी पे आपको बीजासन ले जाता है, बीजासन मंदिर। तो इधर भी लाइटें वगैरह थोड़ी कम दिख रही है विकास भाई, क्या है ये हो गया हट गई इधर की हट गई दोस्तों लाइटें, हाई क्लास लाइटें थी दोस्तों। यहाँ पे बहुत खतरनाक तरीके से डेकोरेशन हुआ था, प्यारा डेकोरेशन हुआ था, तो डेकोरेशन तो यहाँ से मुझे लगता है हटा दिया गया है। ठीक है बाकी आप अगर प्रवासी मिलने के टाइम में डेकोरेशन देखते तो आपको बहुत बढ़िया लगेगा। G20 सबमिट का है दोस्तों यहाँ पर। क्या हो गया ये अभी कमल के लिए था बाइक। वसुधैव कुटुंबकम भाई, ये चौराहे का नाम क्या है? सुपर कॉरिडोर स्क्वायर। तो इसका नाम है सुपर कॉरिडोर स्क्वायर।
G20 समिट के लिए बनाया गया था ये। भारत का दिल इंदौर, इनक्रेडिबल इनक्रेडिबल इंडिया। तो हमारे पास में भैया लोग भी सेल्फी वगैरह ले रहे हैं। एक फोटो लेगा क्या विकास मेरा भैया? हाँ फोटो लेना ना। ऐसा करो स्टार्ट चलने दो कोई दिक्कत नहीं। तो चल रही है भैया शादी की, शादी का माहौल ठंड में। शादी में चले का बीन बुलाए? अरे हाँ ना, तो ठीक है ना, बिना इनविटेशन। क्या है, कौन सा परिवार है? सप्रेम सीजर सीजवार परिवार, सीजवार परिवार, सीजवार परिवार। हाँ बोलते वक्त दिक्कत हो रही थी, खाते वक्त महंगा पड़ जाएगा खाना। यहाँ पे आइडेंटिफाई किया है कि महेश्वर कैसा होता है, ड्राइंग से समझ सकते हो आप, मांडव कैसा होता है ये चित्रकारी से आप समझ सकते हो। उनको आरे सर, तो एक महाज्योतिलिंग है उनका रे सर, वहाँ का टीचर और बीएसएफ एरिया। आगे तो गाड़ी भी दिखता भाई, ठीक है। ये क्या चिड़ियाघर है? इंदौर की जगह छप्पन बहुत बढ़िया, एक अंदाजा लगा सकते हो आप इस ड्रॉइंग को देख के। ये इंदौर है भैया, ये एयरपोर्ट है और देवी अल्लाह माता की पावन नगरी में आपका स्वागत है। ये अहिल्या माता की मूर्ति बना रखी का। राजा
ये खंडर पे देखो कितनी ड्राइंग की भाई, उस दिन बहुत तगड़ा लग रहा होगा ना। बहुत वीआईपी, बहुत खास सर वीआईपी आए थे वहां। अबे वो जो बैरिकेड्स होते हैं ना, बैरिकेड्स भी जो फॉरेन कंट्री में होते ना वैसे बैरिकेड थे, और पुलिस वालों ने ड्रेस भी ऐसी पहन रखी थी। जो सफाई कर्मी होते ना फॉरेन में कैसे होते, कलरफुल ड्रेस पहने, जिनको अपनी गाड़ी की लाइट पड़ती है तो चमकती है ड्रेस, सही बात, वैसी फॉरेन कंट्री वाली ड्रेस पहन रखी थी। अभी इंडस्ट्री के बारे में इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा आपको टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, ताकि इससे पता चले कि यहाँ पे हर चीज अवेलेबल है, एयर कार्गो, फिर अपना टेक्नोलॉजी जैसे TCS, इंफोसिस, वाटर सिटी अवेलेबल है यहाँ पे, वाटर अवेलेबल है, अच्छा, एजुकेशन हब है, इंटरेक्ट कैसे करोगे, ग्रो कैसे करोगे। ये फार्मास्यूटिकल क्लस्टर हमारे विकास होगी, फार्मास्यूटिकल में इंजीनियर है। दोस्तों तो आज के लिए इतना वीडियो काफी है मेरे हिसाब से। अब विकास भाई को हम छोड़ते हैं घर, और फिर हम निकलते हैं हमारी घर की तरफ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।